नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वीवन 90.8 एफएम और आज हमारे साथ राजस्थान के जाने माने और सुप्रसिद्ध और बुजुर्गवार राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि हमारे इस रेडियो में मैं कहूँ कि बीडी कल्ला साहब मेरे परिचय के बहुत आज नहीं है। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में कल्ला साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका इतना अरसा उस राजनीतिक दल से जो 1885 में स्थापित हुई और उस दल के प्रतिनिधि के रूप में आप राजस्थान विधानसभा में कुल मिला के कितनी बार आप हिस्सेदार रहे? मैं तक 10 चुनाव लड़ा हूँ, 6 बार बीकानेर और उसके बाद बीकानेर पश्चिम विधानसभा से चुनाव जीत कर आया हूँ और निश्चित रूप से बीकानेर शहर से अथवा जोधपुर, उदयपुर, कोटा इन शहरों में दोनों प्रमुख पार्टियों में मैं समझता हूँ कि 6 बार जीतने वाले बहुत कम लोग उंगलियों में गिने जा सकते। इसका क्या कारण रहा सर? इसका लोगों ने आपको बाहों पे उठाया और इतना जो प्रेम और इतना विश्वास दिया, ये ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं, ऐसा क्या कारण रहा सर? 1969 में मैं डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष रहा। उससे पहले जब हमने फर्स्ट ईयर में 67 में प्रवेश लिया जी, तो उस वक्त रैगिंग प्रथा होती थी जी। हमें ये कहा जाता था कि आप मतलब क्या है, कभी नंगड़ी चाल चलो, कभी कहते थे मुर्गा बनो, ये बनो। मैंने उसका विरोध किया जी। मैं साइंस का विद्यार्थी था, थ्रू आउट फर्स्ट पोजीशन से पास होने वाला बच्चा था, लेकिन इसका मैंने बड़ा विरोध किया। तो विद्यार्थियों ने सोचा कि हमेशा आर्ट्स और लॉ के विद्यार्थी अध्यक्ष बनते हैं, साइंस के विद्यार्थी। जब मैंने खड़ा होने का फॉर्म भरा तो मुझे कहा कि आपको कॉलेज और घर के रास्ते बीच में ही कहीं मर्डर कर बना देखे जाता शहीद ध्रुवम जन्म मृत्य से अस्मद परिहार्य थे नत्वम सोचित मद। मैं खड़ा रहा और चुनाव जीता और जीतने के बाद मैं जो फर्स्ट पोजीशन से पास होने वाला था वो जब BSc में आया तो मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ और उसके बाद मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया। BSc के बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया, फिर मैंने 2nd पोजीशन अपनी क्लास में हासिल की। उसके बाद मैं लेक्चरर बना। लेक्चरर बनते बनते करीब करीब 6 साल पूरे हो रहे थे। उस समय एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड बीन टू जेल, सो आई आल्सो हैड बीन टू जेल विद 100 ऑफ यू ड्यूरिंग दैट जेल भरो आंदोलन। एट दैट टाइम आई वाज डूइंग PhD ऑन द यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल फाइनेंस। यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल फाइनेंस बाय फार्मर्स इन राजस्थान। इट वाज ए स्टडी ऑफ उस समय की अपनी मांग थी सर। ये तो उस समय की अपनी निश्चित जबरदस्त मांग। किसान जो पैसा उधार लेता था वो जिस पर्पज के लिए लेता था उस पर नहीं करके सामाजिक दायित्वों पर खर्च कर देता था, तो वो ऋणग्रस्त हो रहा, ऋणग्रस्त ही हो रहा, इंडेबटेडनेस बढ़ रही थी। तो उस चीज के बारे में मैंने स्टडी की कि जब जिसकी इनकम अधिक होती है वो डाइवर्ट ज्यादा करता है पैसा, या जिसकी इनकम कम होता है साइज ऑफ होल्डिंग का क्या असर है। तो इतनी माइक्रो जो बातें आपने जो जिसको कहना चाहिए आज के समय में कहूं कि कार्यकर्ता की जो पकड़ शायद आप में ज्यादा रही, जहां भी मेरी अपनी एक समझ है, यद्यपि आप तो बुजुर्ग आ रहा है, आपने कांग्रेस को स्टार्टिंग कैरियर से ही देखा है। जब 57 से मेरे हिसाब से शुरू हुई, कुछ समय बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन की, तो आज का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है और जो आपका काल जब स्टार्टिंग करियर था उसमें और आज में क्या अंतर देखते हैं? देखिए कांग्रेस तो मैंने जब से समझा है जी, तो कांग्रेस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान जी। कांग्रेस के लोगों ने लगभग 67 वर्ष तक देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। 3-3 पीढ़ियां जेलों में रही जी, पंडित मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद जब ये मतलब जेल में थे उसमें किसी पत्रकार ने नेहरू जी से ये पूछा, जवाहरलाल जी से जी, कि आप 5-7 साल में करीब 42 के करीब की बात है जी, कि आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे, आप आनंद भवन और स्वराज भवन का क्या करोगे? उन्होंने छूट दे ही कहा मेरे पिताजी जब मालिक हैं तब तक तो वो रहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जब मैं मालिक बन जाऊंगा तो मैं स्वराज भवन और आनंद भवन को राष्ट्र को दान दे दूंगा, समर्पित कर दूंगा। नहीं, लेकिन वो दान दिया, लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य नहीं, उसमें इसके बारे में मैं बता दूं, देखिए बाप बेटों की दोनों का समर्पण देखिए जी। जब उस पत्रकार ने जाके उनके पिताजी को बोला जी, और उन्होंने थोड़ा व्यंग में बोला कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी को धुआं लगा देगा,
तो आए आकर के उनकी भारत में आए तो उन्होंने कहा आप मेरे को बुला लेते हैं, आप यहाँ क्यों बुला रहे जी? तो उन्होंने कहा नहीं, पत्रकार जी कह रहे हैं तुम संपत्ति को धुआं लगा दो। तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने तो ये कि पिताजी जब तक मालिक हैं, पिताजी जो चाहे उपयोग में ले, लेकिन मैं जब मालिक बनूंगा तो मैं राष्ट्र को समर्पित कर दूंगा, राष्ट्र को दान कर दूंगा। तो ये काम मेरे सामने ही कर दो। दूसरे दिन स्ट्रेन मंगा करके और दोनों पिता पुत्र ने संपत्ति का दान कर दिया। नहीं, लेकिन आज का जो जो व्हाट्सएप या ज्ञान है या जो आज की जो राजनीतिक जो दल है, विभिन्न प्रकार के दूसरे पक्ष वाले लोग हैं, वो जिस तरह से कांग्रेस को पेश करते हैं, उसके इस पतन का क्या कारण रहा? इसका कारण है ये अपना डिजिटल यूनिवर्सिटी, साइबर यूनिवर्सिटी जी। इन्होंने पेड लोगों को लगा रखा है कि वो कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के विभिन्न कार्यकर्ताओं की इमेज को डैमेज कैसे करें, इसके काम में लगा रखा है। लोगों को पता ही नहीं है कि नेहरू जी क्या थे। आज जो स्टेट्समैनशिप नेहरू जी की थी जी, सारा वर्ल्ड उनकी उनके विचारों से उत्प्रोत है, जानता है, लेकिन वो नेहरू जी को बिल्कुल एकदम जैसे जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो वो पक्ष एक जिस तो कला पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो है भी उससे देश का नुकसान होता है। आज नेहरू जी जैसा नेता तो उसके लिए आपने जो जुझारू जो लोग हैं सर, जो आप बुजुर्गवार लोग हैं, आज कांग्रेस भी एक बदल गई जो कांग्रेस आपके जमाने की थी जब आपका स्टार्टिंग कैरियर था, और एक आज की कांग्रेस, ये दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? नई पीढ़ी के लोगों को काडर बेस बनाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पहले सेवा दल का एक स्ट्रॉन्ग काडर हुआ करता था, वो धीरे धीरे मतलब क्या है वीक हुआ है जी। तो हमको अपने सेवा दल को मजबूत करना चाहिए, जबकि दूसरी पार्टियां जो है उनके पास में करीब 100 तरह के संगठन है, और उस संगठन में वो लोग जो है काडर को तैयार कर रहे हैं। हमको पहले हमारी पार्टी मास बेस भी थी और काडर बेस भी थी। बिल्कुल मास बेस तो आज भी है, आज भी है, लेकिन काडर को बनाने की जरूरत है। लेकिन जितनी पार्टियां जो है गणेश जी को दूध पिला के वोट ले लेती, वोट ले लेती है, हृदय में भी है विराजने वाला राम। राम विवेकानंद जी ने कहा था मनुष्य का हृदय ईश्वर का सबसे बड़ा हृदय है। राम जी के प्रति सबको आस्था है। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खोला जी, उसका शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, किसी को ऐतराज नहीं है, सब लोगों ने मंदिर को बनाया, उसका स्वागत किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि मंदिर के बहाने वोट को बनाना, ये राजनीति में धन का व्यापार है, ये ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ के लिए जीते हैं जी। इनमें ये जो धर्म का पक्ष है ये पुरुषार्थ मोक्ष का पुरुषार्थ। अब ब्राह्मण कुल से आते हैं, ब्राह्मणत्व ब्राह्मण भाव तो आप नहीं खिला सकते, लेकिन ब्राह्मण होने का फक्र आप जरूर कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि जो ब्राह्मण है वो निश्चित रूप से कहीं डोमिनेट ज्यादा कर सकता है? देखिए ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग है जी जो अपने यहाँ भी 16 संस्कार डालता है जी, और अन्य समाजों के भी 16 संस्कार डालता है, और वो सबको एक तरीके से साथ लेके चलता है, सम्मिश्रित है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, उसके मन में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन ब्रह्मों से मैं ये कहना चाहूंगा, ब्रह्म का बेटा है जो ब्रह्म को जानने वाला है निश्चित रूप से, और ये कहना चाहिए कि ब्राह्मणों को अपना ब्रह्मदेश बढ़ाना चाहिए, वो गायत्री की उपासना से बढ़ता है। पहले ये कहते थे, हम बचपन में खुद संस्कृत पाठशाला में जाते थे, तो कहते थे ब्राह्मण बालक सीख संध्या गायत्री को जप करे, प्रसन्न होगी वेद माता वो यमराज के नाट में। क्योंकि इसमें त्रिकाल संध्या हम करते हैं तो उससे 3 बार प्राणायाम करते हैं, 3 बार प्राणायाम करने का मतलब इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन सब मजबूत हो जाते हैं, और प्राकृतिक रूप से दोनों जहां से आप मिलाते हैं। आप तो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार, आपके शिक्षा मंत्री होते हुए जो स्थान ने जो ऊंचाइयां ली, जो गति आपने दी, इतनी अब नहीं हो पा रही है। अभी मैं 4 महीने पहले जब राजस्थान का शिक्षा मंत्री था, हमने तमाम 10वीं की स्कूलों को 12वीं की क्रमण कर दिया। जबकि एक वक्त था जब मैं 88 में एजुकेशन मिनिस्टर था तो 672 केवल मात्र हायर सेकेंडरी स्कूल थे, और 5 साल पहले अन्य राज्यों में हायर सेकेंडरी स्कूल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बन गए थे। तो हमारे बच्चों को ब्रिज कोर्स करना पड़ रहा था। हमने ये कहा कि नहीं, हम सब जगह अपने खोले, शिवचंडी माधव चीफ मिनिस्टर थे, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे।
मैंने कहा आपको सब्जेक्ट खोलनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा 200 स्कूल, मैंने कहा मैं नहीं खोलूँगा, मैं 672 खोलूँगा। तो तुम 200 तो खोलो तब उसको। जैसे ही 200 स्कूल खोले उनके पास 10 से 15 हजार आदमियों की गाँव की भीड़, हमारा भी बनाओ हमारे भी बनाओ। एक दिन मेरे को बुलाया और कहा ये तुम बात सही कह रहे थे, मैंने कहा आप इस बजट में एक रुपया भी मत दो, मेरे पास प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है, मैं सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल बना के भेज दूंगा, अगले साल सुकाल आएगा आप बजट दे देना। तो क्या करो फिर 1,672। आप देखिए तमाम सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का काम हमने अब किया। इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले, क्वालिटेटिव एजुकेशन पे हमने ध्यान दिया। लेकिन वर्तमान सरकार आप देखना क्या करती है आपको पता लग जाएगा। हमको 6 महीने में ये सरकार और उनका शिक्षा मंत्री भला कहला देगा। मैं राजनीतिक विषय पे नहीं जाता, मैं तो आपकी उस बुजुर्ग वार होने का और आपके उस ज्ञान से आज की जो व्हाट्सएप या संस्कृति पे जो लोग लगे हुए हैं, इस नई युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को और खासतौर से हमारे बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिल्कुल दूर रहे। एक तो मोबाइल जो है ये इडियट इक्विपमेंट है, इसको बच्चों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे रेडिएशन फैलता है मोबाइल से, एक उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसके लिए पेरेंट्स को ही चाहिए। मैंने देखा है 2-3 वर्ष का बच्चा होता है, माताएं उनको कोई ना कोई मोबाइल पकड़ा देती है, उससे उनका दिमाग कमज़ोर होगा, उनके ब्रेन ट्यूमर हो सकती है, कैंसर हो सकता है, रेडिएशन की बीमारी जो है अन्य प्रकार की बीमारियों में उसको तब्दील कर देगी। तो उनको बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, विद्यार्थियों को मोबाइल से दूर रखो। कई बार जो होमवर्क वगैरह देता है तो पेरेंट्स खुद ही उसको देख के उसकी फोटो स्टेट कॉपी निकाल के उनको दे देते हैं, लेकिन मोबाइल से उसको दूर रखें। जब तक वो कॉलेज में नहीं आए तब तक मोबाइल से उसको दूर रखें। जब ये परिपक्व हो जाए कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, एक तो ये बात। दूसरा नियमित रूप से उनको, मैंने देखा है विद्यार्थी रात को सोते हैं, रात को सोना चाहिए उसकी जगह जगते हैं, और जल्दी उठना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, रात को जगने के लिए वो उनको मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, इससे उनके गुर्दे खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएंगे। दवाइयाँ जो है वो उनको बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं लेनी चाहिए, उनको जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। सवेरे सवेरे दिमाग तरोताज़ा रहता है, उसमें आदमी को बहुत सी चीज़ें याद स्मरण शक्ति बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को बनाना चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए। स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है, केले के पत्ते पे गिरती है तो कबूल बन जाती है, सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है। तो विद्यार्थियों को अच्छे विद्यार्थियों की संगत करनी चाहिए। आजकल स्कूलों में कॉलेजों में ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। संयम खलु जीवनम, संयम ही व्यक्ति का जीवन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए नशे से बिल्कुल दूर रहे और किताबी ज्ञान प्राप्त करें, नियमित रूप से खेले। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे दूध पियो, कसरत करो और नित्य करो गृह काम, हिम्मत से मेहनत करो सफल करेंगे श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत। आप सुन रहे हैं रेडियो वीवन 90.8 एफएम, और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे साथ बीकानेर से आज विशेष रूप से बधाई आदरणीय श्री बुलाकी दास जी कल्ला साहब हैं, वयोवृद्ध हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने एक बहुत जमाना देखा है। एक शेर के साथ इसको समाप्त करते हैं कि और ही है रंग दुनिया वो जमाना अब कहाँ, खुश हुआ करते थे जब इंसान को इंसान देखकर। आप हमारे स्टूडियो पर आए, बहुत बहुत आभार। इंसानियत तो होना बहुत जरूरी है, वेद व्यास जी ने कहा था जी, तो जब उन्होंने 18 पुराण लिखे जी, तो उनसे एक वैश्य मित्र जो वो बहुत खुद विद्वान था जी, कि आपने व्यास जी इतने पुराण लिख दिए इनका कौन पढ़ेगा, कंप्यूटर एज आ जाएगी, हजारों प्रश्न आपने लिख दिए जी। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों के लिए दो लाइनें लिख के जा रहा, संस्कृत की संक्षिप्तीकरण की शैली दुनिया में प्रसिद्ध है जी। उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु जी व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। उन्होंने कहा कि मेरे 18 पुराणों का सार ये है कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है, पुण्य नहीं है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पुराणों का अध्ययन करके ही रामचरितमानस लिखा। उन्होंने लिख दिया एक लाइन में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुनो, परहित के समान धर्म नहीं बिल्कुल, और दूसरे को पीड़ा के समान कष्ट पहुंचाने से बड़ा पाप नहीं। तो आजकल की पीढ़ी को भी इसको मंत्र मुग्ध करके करना चाहिए, पराई पीड़ा में पढ़ना चाहिए, परहित के काम करने चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए,
बड़ों का कहना माना चाहिए, माता पिता का गुरुजनों का जो कहना मानता है उसकी चार चीजें स्वतः ही बढ़ जाती है जी। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारे तस्य वृद्धिस्य आयुर्वृद्धि यशो बलम। जो अपने से बड़ों को नमन करता है। मैं एक बार स्कूल में गया तो बच्चे ने मेरे से पूछा बड़ों को प्रणाम क्यों करें। मैंने कहा आपको कर दें जन्म में काम है। हाँ तो नहीं नहीं आविष्कार कर दो। तब मैंने ये श्लोक पढ़ के बताया कि जो अपने से बड़ों को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, उसकी आयु बुद्धि यश और बल स्वतः ही बढ़ जाते हैं। तब तब तो उसे मेरे पैर पड़ के कहा कि मैं आ रहा, मेरे को पता नहीं था कि हम क्यों बदल गए। निश्चित रूप से आप प्रणाम के योग्य हैं और आप बड़े हैं, बुजुर्गवार हैं और इतना ज्ञान रखते हैं हमारे स्टूडियो में बाजार करके। और जो आदमी की जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व जो झलकता है ना सर, वेद व्यास जी ने भी इतना लिखा, इतना लिखने के उपरांत भी अंतिम जब जहाँ सिग्नेचर किए उन्होंने अपने इनिशियल वहां न इति हाँ, और भी आएगा और जुड़ेगा और नई बातें होंगी और संसार में नए नए जोड़ते रहेंगे। आपने हमारे यहाँ पधार कर ये आशीर्वाद दिया, आपका एक बार पुनः धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।